हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पाश्चात्य दार्शनिक एंसेल्म के बारे में पढ़ेंगे। उस पे हम ईश्वर सिद्धि हेतु सत्तामूलक तर्क जो एंसेल्म ने दिया है उसके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो में जो भी पार्ट कवर हो रहा है ये अधिक से अधिक 4 से 8 नंबर तक के क्वेश्चन में आ सकता है। उससे बड़े क्वेश्चन में इनका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से कवर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो उनके कॉन्सेप्ट है, ईश्वर सिद्धि हेतु सत्तामूलक प्रमाण। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सत्ता का तात्पर्य होता है वो आपको जानना जरूरी है। सत्ता का मतलब होता है अस्तित्व। सत्तामूलक प्रमाण या सत्ता का मतलब होता है अस्तित्व। यहाँ पर जो ईश्वर सिद्धि हेतु सत्तामूलक प्रमाण है, कहने का मतलब ये है कि ईश्वर के प्रत्यय में ही ईश्वर का अस्तित्व है। इसका सीधा मतलब अगर हम निकालना चाहे ईश्वर सिद्धि हेतु सत्तामूलक प्रमाण, तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर के प्रत्यय में ही ईश्वर का अस्तित्व है। अगर हम प्रत्यय को देखें, जो हम दर्शन शास्त्र की भाषा में जो प्रत्यय वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं उसका मतलब होता है इंग्लिश में आइडिया या आइडियाज, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इसको पहले भी देख चुके हैं, प्रत्यय का मतलब आइडिया होता है, जो हम पाश्चात्य दर्शन वाला वीडियो कवर किए हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, कहने का मतलब ये है इस लाइन का, ईश्वर सिद्धि हेतु सत्तामूलक प्रमाण, कहने का मतलब ये है कि ईश्वर के प्रत्यय में ही ईश्वर का अस्तित्व है। तो यहाँ पर दो अलग अलग वर्ण मिल रहे हैं, प्रत्यय और अस्तित्व, जो दोनों का अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें तो ये दोनों का मतलब अलग अलग निकलता है। इसको हम एक एग्जांपल से सोचने की कोशिश करें। अगर मैं बोलूं कि अगर कोई भूखा व्यक्ति है जो कि गरीब है, ठीक है, तो वो भूखा व्यक्ति जो है उसको भूख लग रही है और वो जो है अपने दिमाग में सोच रहा है कुछ स्वादिष्ट भोजन खाने का और उसके पास पैसे भी नहीं है अभी, तो क्या उसके सोचने मात्र से, यानी उसका अगर मान लेते उसका मन हो रहा है पुलाव खाने का, वो स्वादिष्ट भोजन सोच रहा है, वो पुलाव है, तो उसके पास अगर पैसे नहीं है पुलाव खरीदने के, उसके मन में तो पुलाव की छवि बन गई, आइडिया तो आ गया कि पुलाव ऐसा होता है, लेकिन उसके सोचने मात्र से उसको पुलाव मिल जाएगा क्या? यानी उसके सोचने मात्र से, उसके प्रत्यय मात्र से उसको पुलाव, यानी उस पुलाव का अस्तित्व, यानी पुलाव तो उसके पास नहीं आएगा। यानी नॉर्मल भाषा में प्रत्यय और अस्तित्व दोनों अलग अलग अर्थ में रखते हैं, यानी किसी भी चीज का प्रत्यय होने से उसका अस्तित्व हो ये जरूरी नहीं है, कहने का अर्थ ये है। लेकिन यहाँ पर एंसेल्म बोलते हैं कि ईश्वर के प्रत्यय में ही ईश्वर का अस्तित्व है, यानी अगर ईश्वर का आइडिया हमको है यानी ईश्वर का अस्तित्व है, ये कहना है एंसेल्म का। लेकिन नॉर्मल भाषा में प्रत्यय और अस्तित्व दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन ये दोनों को एक ही मानकर चल रहे हैं। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक चीज बोला कि किसी भी चीज का प्रत्यय जितना सर्वव्याप्त होगा, किसी भी चीज का प्रत्यय जितना भी सर्वव्याप्त होगा उस चीज का अस्तित्व उतना ही मजबूत होगा। कहने का मतलब ये है किसी भी चीज का प्रत्यय जितना सर्वव्याप्त होगा, यानी किसी भी चीज का आइडिया जितने ज्यादा लोगों को होगा उस वस्तु का अस्तित्व होना उतना ही स्ट्रांग है, यानी वो वस्तु हम होगी ही या वो चीज होगी ही। जैसे अगर यहाँ पर बोल रहे हैं प्रत्यय का मतलब आइडिया, अब यहाँ पर इसी को अगर हम ईश्वर से जोड़ दें तो ईश्वर का प्रत्यय जितने लोगों को होगा, यानी ईश्वर का प्रत्यय में ही उसका अस्तित्व हुआ, क्योंकि ईश्वर को मानने वाले बहुत लोग हैं। अगर हम यहाँ पर बोले कि हम तो ये भी पढ़ते हैं कि जो कण कण में ईश्वर मौजूद है, अगर कोई भी इस धरती में जन्म ले रहा है, जिसकी मृत्यु हो रही है, वो भी ईश्वर पर निर्भर करता है, अगर हमारे हवा चल रही है वो भी ईश्वर के कारण चल रही है, गर्मी हो रही है वो भी ईश्वर के कारण हो रही है, यानी यहाँ पर ईश्वर को मानने वाले बहुत लोग हैं, यानी ईश्वर का प्रत्यय सर्वव्याप्त, यानी उसको मानने वाले बहुत लोग हैं, इसी के लिए ईश्वर का अस्तित्व उसके प्रत्यय में ही है क्योंकि उसको मानने वाले बहुत लोग हैं। अगर उस चीज को मानने वाले बहुत लोग हैं यानी वो चीज होगी ही, इसलिए ये बोल रहे हैं ईश्वर का प्रत्यय सर्वव्याप्त है, यानी ईश्वर को मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है, ठीक है। तो यही उनका कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर का जो भी जिसका प्रत्यय जितना स्ट्रांग होगा, किसी भी चीज का आइडिया जितना स्ट्रांग होगा, किसी भी चीज को मानने वाले लोग जितने अधिक होंगे, वो चीज का होना, उसका अस्तित्व होना, उसकी सत्ता होना उतना ही मतलब संभव है कि उसकी सत्ता हो। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि ईश्वर का प्रत्यय इतना अधिक है,
यानी ईश्वर का प्रत्यय इतना सर्वव्याप्त है कि ईश्वर के प्रत्यय से बड़ा प्रत्यय और कोई भी नहीं हो सकता। यानी ईश्वर के प्रत्यय से ना तो कोई बड़ा और प्रत्यय हो सकता है, ना उससे ज्यादा उसको मानने वाले और कोई हो सकते हैं। यानी ईश्वर का प्रत्यय ही जो है वो उच्चतर प्रत्यय है, या आप बोल लीजिए ईश्वर का प्रत्यय ही महत्तर प्रत्यय है। यानी सबसे बड़ा प्रत्यय ईश्वर का प्रत्यय है, इससे और कोई, इससे अधिक लोग, मतलब ईश्वर के अलावा कोई और ऐसी चीज नहीं होगी जिसको मानने वालों की संख्या इतनी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी ईश्वर का प्रत्यय ही सबसे बड़ा प्रत्यय है, इससे बड़ा प्रत्यय और कोई नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर के प्रत्यय इतना बड़ा है कि वो उसका अस्तित्व उसके प्रत्यय में ही है। ठीक है, तो कुल मिला के इन्होंने यही बोला कि जिस भी वस्तु का प्रत्यय जितना अधिक बड़ा होगा, जिस वस्तु को मानने वाले लोग जितने अधिक होंगे, उस वस्तु का अस्तित्व होना उतना ही संभव है। जिसको कम मानने वाले होंगे उसका अस्तित्व भी कम होगा। आगे इन्होंने बोला कि जो अस्तित्व होता है एक प्रकार का गुण होता है। आगे इनका कॉन्सेप्ट है कि अस्तित्व जो होता है एक प्रकार का गुण होता है जो कि मात्रा के रूप में दिखाया जा सकता है। आगे इन्होंने बताया कि अस्तित्व जो है एक प्रकार का गुण है जो कि मात्रा के रूप में दिखाया जा सकता है। इसको इन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया। इन्होंने बोला कि एक अमरूद मीठा है और दूसरे में बोला एक आम मीठा है। तो मीठा यानी दोनों का अस्तित्व मीठा होना तो है, लेकिन हमको सौ नॉर्मल हमको पता है कि अमरूद से ज्यादा मीठा आम होगा। यानी उसके अस्तित्व भी जो है, यानी उसका जो गुण है वो मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी में कम उसकी मात्रा होगी, किसी में ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने बोला अस्तित्व एक प्रकार का गुण है जिसको हम मात्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी किसी का अस्तित्व जो है अमरूद और आम दोनों का अस्तित्व है, लेकिन उसका गुण जो देख रहे हैं वो भी मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी आम और अमरूद दोनों मीठे हैं, दोनों का अस्तित्व है, इसलिए अस्तित्व को उन्होंने मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि एक गुण है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो था ये था एंसेल्म का। यानी इस कॉन्सेप्ट से हम ये भी निकाल सकते हैं, एक अगर हम इसको एक सार निकालने की बात करें, तो जिसका अस्तित्व मतलब संभव तभी है जब उसके जानने वाले लोग या उसका प्रत्यय उतने लोगों को हो। यानी जिसका प्रत्यय जितना सर्वव्याप्त होगा उस चीज का अस्तित्व उतना अधिक होगा, जिसका प्रत्यय कम लोगों को होगा उसका अस्तित्व उतना कम होगा। ठीक है, तो ईश्वर को मानने वाले बहुत लोग हैं तो ईश्वर का अस्तित्व उतना ज्यादा है, क्योंकि ईश्वर के प्रत्यय में ही उसका अस्तित्व है, क्योंकि उसको मानने वाले लोग ज्यादा है। जिसके मानने वाले लोग कम होंगे उसका अस्तित्व भी कम होगा। ठीक है, तो इसके इस सिद्धांत का जो एंसेल्म के सिद्धांत के सपोर्टर रहे हैं उनका नाम है स्पिनोजा, डेकार्त, लाइबनीज, ये सब सपोर्टर रहे हैं एंसेल्म के सिद्धांत के। लेकिन अगर हम इसकी आलोचना की बात करें तो इसकी आलोचना की है जॉन कांट ने। ठीक है, एक और दर्शन शास्त्री है कांट, जिन्होंने इसकी आलोचना की एंसेल्म के सिद्धांत की। कांट बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं ईश्वर है और आप बोल रहे हैं ईश्वर का अस्तित्व है, तो बात तो दोनों एक ही है, तो आपने नया सिद्धांत क्या दिया? ईश्वर का अस्तित्व है आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ईश्वर है। उन्होंने बोला अगर मैं बोलूं कि इस कमरे में एक मेज है और आप बोल रहे हैं इस कमरे में एक मेज का अस्तित्व है, तो बात तो वही है कि उस कमरे में एक मेज है, आपने कुछ नया चीज तो बताने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, कान तो कान पकड़ाएगा तो कान ही, तो आप अगर ये नया सिद्धांत ना देके केवल ये बोल रहे हम बोल रहे हैं ईश्वर है और आप बोल रहे हैं ईश्वर का अस्तित्व है, तो बात एक ही है। तो इन्होंने इनकी आलोचना की। इसके अलावा एक आलोचना ये होती है कि आपने बोला अस्तित्व एक गुण है और गुण को मात्रा के रूप में दर्शाया जा सकता है, तो अगर हम बोलें कि ईश्वर का भी अस्तित्व है, तो ईश्वर को आप मात्रा के रूप में किस तरीके से दर्शा सकते हैं? जैसे हम एक एग्जांपल दे, अगर हम भारत के एग्जांपल में समझे, मान लेते हैं हिंदू धर्म को मानने वाले जो है 80% है, सिख धर्म को मानने वाले की संख्या 2% के आसपास है अभी वर्तमान में। अगर हम देख एक एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूं, तो ईश्वर जो हिंदू धर्म के ईश्वर है उनको मानने वाले 80% लोग है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो हिंदू धर्म के ईश्वर है उनका अस्तित्व है, और इस धर्म को सिख धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 2% है, तो जो सिख धर्म के गुरु है उनका अस्तित्व नहीं है क्योंकि इसके मानने वाले लोग कम है, ऐसा तो नहीं है। तो आप किस तरीके से अस्तित्व को मात्रा या गुण के रूप में दर्शा सकते हैं? तो ये भी एक आलोचना है।
इस सिद्धांत की। लेकिन इनका जो एंसेल्म का मेन सिद्धांत आपको याद रखना है, इसको आपको मेन जो लाइन है इसकी यही है कि जो जिसका प्रत्यय जितना मजबूत होगा या जिसका प्रत्यय जितना सर्वव्याप्त होगा उस चीज का अस्तित्व होना उतना ही संभव है, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यय सर्वव्याप्त है, उसको मानने वाले भूत लोग हैं, यानी ईश्वर का अस्तित्व उसके प्रत्यय पर ही निर्भर करता है क्योंकि ईश्वर को मानने वाले भूत लोग हैं। बाकी आप इसकी आलोचना और इसके जो जो समर्थक रहे हैं, फिर से मैं नाम बता दे रहा हूँ, समर्थक के नाम है लाइबनीज, स्पिनोजा, डेकार्त, ये सब इस सिद्धांत के समर्थक रहे हैं, जबकि इसकी आलोचना कांट ने की है कि कांट ने वही बताया है कि किसी मात्र मतलब सिर्फ आप हम बोलते हैं ईश्वर, आप बोल ईश्वर का अस्तित्व है, तो केवल अस्तित्व वर्ड जोड़ने से आपने कोई नया सिद्धांत नहीं दिए है, ठीक है। तो आपको इतना ही पढ़ना है, 4 से 8 नंबर में ही क्वेश्चन इसके बनेंगे, 4 नंबर में आएगा तो आपको ईश्वर के सिद्धि को पहले आपको बताना है, ईश्वर सिद्धि तो सत्ता मूलक प्रमाण का तात्पर्य क्या है, यानी ईश्वर के प्रत्यय में ही ईश्वर का अस्तित्व है। इसके आगे आपको बताना है कि जिस चीज का प्रत्यय जितना सर्वव्याप्त होगा उस चीज का अस्तित्व ही होने की संभावना उतनी अधिक है, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यय सर्वव्याप्त है, उसको मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व संभव है, और वो भी उसके प्रत्यय में ही संभव है, ठीक है। फिर आपको उसके समर्थक अमर्थक ये सब चीज बता देना है, और अंत में उसका आलोचना अगर 8 नंबर में आ रहा है तो आलोचना भी आप लिख सकते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।